हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनी स्टोरीज फॉर यू। मुझे एक श्वेता का कमेंट आया था एंड विवेक का भी कि हाँ, मैं आपसे बात करनी है मैम। और उसने में लिखा भी था कि मैम, हम बेसिक सी अर्निंग करते हैं, तो बिना इन्वेस्टमेंट के आप ऐसी जॉब बताइए जिसमें हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े और हम अर्न कर सकें। इवन श्वेता का जब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि मैम, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, कि जहाँ पे उसके हस्बैंड का 15,000 कुछ इनकम है, और बोले मैं कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हूँ, हालांकि मैं मोबाइल और लैपटॉप चलाना जानती हूँ, बट इनिशियली मुझे, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। 12th के बाद मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी। और उसके बाद उसने मुझे ये भी बताया है कि मतलब पैसा की मैम बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करके कोई कोर्स भी नहीं कर सकते, तो ऐसे कैसे हम मनी अर्न कर सकेंगे? हम वर्क फ्रॉम होम कर ही नहीं सकते, फिर ये सब तो बिल्कुल वो हो जाएगा कि धोखा देना, और ये वो कि हम किसी भी साइट पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्यों वो देगा प्रोजेक्ट और ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी टच करी थी, और मैं सोच रही थी कि मैं काफ़ी ऐसे तरीके से लाऊं जिससे, ये बात सही है कि लोग कैसे करेंगे अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी मनी नहीं है, तो वो अच्छे कोर्स कैसे कर पाएंगे। जैसे मैंने एक सिंपली लर्न का वीडियो बनाया था, यूडेमी का वीडियो बनाया था, कि इन साइट्स पर आप काफ़ी अच्छे कोर्सेज कर सकते हो, आप हैकिंग के कोर्स कर सकते हो और मनी अर्न कर सकते हो। लेकिन बात वही आ गई कि पैसा पैसा, मतलब मैं मटेरियलिस्टिक साउंड कर रही हूँ, लेकिन पैसा हर चीज़ तरह के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और जिनके पास नहीं उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही होती है। और मोस्टली जितना कमाया जाए उतना कम है, क्योंकि आज के ज़माने में जो महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो मुझे श्वेता और विवेक का बिल्कुल स्पेशली ध्यान था, उनका कमेंट और उनका मैसेज जो उन्होंने मुझसे कहा था। तो आप लोगों के लिए और आप सभी के लिए, जो लोग ने 10th 12th के बाद ही पढ़ाई छोड़ दिया, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज एक ऐसी साइट लेके आई हूँ जो गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें 2-3 घंटे देना, मतलब एक दिन का अगर आप 1 घंटा भी दोगे, टाइम ज़्यादा आपके पास नहीं है, तो आप वो कोर्स कर सकते हो। और ये कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में कोर्स कर लो, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में कोर्स कर लो, फ्री कोर्स। और इन कोर्स को करने के बाद आपको एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके साथ आप दूसरी फ्रीलैंसिंग साइट्स पे वर्क कर सकते हो। मैं आपसे ज़्यादा हाई फाई सर्टिफिकेशन के कोर्स की बात नहीं करूँगी, डाटा एंट्री का सिंपल सा वर्क है, तो डाटा एंट्री की डिमांड बहुत ज़्यादा है, टाइपिंग जॉब्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगी कि आप उसका कोर्स करें, ठीक है? और किस साइट पे आपको फिर से अकाउंट बनाना है, उसके बाद क्या करना है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो होना वाला है बहुत लेंदी, क्योंकि पहले मैं आपको किस साइट से आपको सर्टिफिकेशन करना है हिंदी इंग्लिश में, फ्री सर्टिफिकेशन वो कैसे करना है, उस साइट पर रजिस्टर कैसे करना है वो बताने वाली हूँ। उसके बाद जब हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, कोर्स के मॉड्यूल हम सब देख लेंगे, उसके बाद हमें किन किन साइट्स पे हम अप्लाई करके वर्क में अर्न कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको एंड तक देखना पड़ेगा, अगर कुछ भी स्टेप मिस हो गई, तो आप अगर जेन्युइनली पैसा अर्न करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम फ्यूचर में करना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट ना लेके अच्छी तरह से, क्योंकि ये वाली आपको अब अपना टाइम निकाल के मोबाइल पे ही पढ़ सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप जेन्युइनली मनी अर्न करने के तरीके ढूंढ रहे हो, और आपको लगता है कि हाँ, आपको एक चीज़ तो अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ताकि आपको आगे भी यूज़फुल रहे, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, हम सोनम, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए, और टीच ऑनलाइन एंड अर्न मनी के लिए, ताकि आप घर बैठे कैसे कमा सकते हैं, अपना फ्रीलैंसिंग करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, आई एम पाइथन प्रोग्रामर इन वेदांतु, एंड आई वॉज प्लेस्ड इन महिंद्रा सत्यम एज वेल। तो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम जॉब से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग के से रिलेटेड, या कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज से रिलेटेड, या कुछ भी आपका डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगी। आई एम सो सॉरी, इंस्टाग्राम पे मैं अभी बहुत दिनों से एक्टिव नहीं थी, एक्टिव इन द सेंस हम कितनी बारी देख लेते हैं, बट हम हर चीज़ का रिप्लाई नहीं कर पाते। इट वॉज वेरी बहुत सारे मैसेजेस हैं जिन पर मुझे तो गो थ्रू करना है, मेरे फेसबुक के माइंड स्टोरीज पेज पर भी मुझे बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आते हैं, सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई वन बाय वन। लेकिन यहाँ पर आप जब जरूर कमेंट डालिए, आई विल डेफिनेटली लुक ओवर इट। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, सारी प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कि हम अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें, एक पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेशन, एक कोर्स कंप्लीट करें, ताकि एक टैलेंट हो हमारे अंदर, उसके थ्रू हम मनी अर्न कर सकें, ठीक है? हमने कितनी बार रेफर एंड अर्न, कॉपी पेस्ट, टाइपिंग सब कुछ करा है, लेकिन हमें जेन्युइनली डाटा एंट्री वर्क का सर्टिफिकेशन लेके, ताकि हम आगे भी अर्न कर सकें, स्टार्ट करना होगा। सो लेट्स वॉच द वीडियो। तो जैसे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से आया है स्किल्स इंडिया, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है,
जहाँ पे आप ई लर्निंग एग्रीगेटर फ्रॉम NSDC, ठीक है, तो आपको ई स्किल्स इंडिया लिखोगे आप गूगल पे, या ई स्किल इंडिया .org, ये गवर्नमेंट की साइट है और इसमें आपको फ्री कोर्सेस मिलेंगे। तो मैंने जो कहा है, मैंने कहा है कि आपको, देखिए, आप अपना टाइम वेस्ट करके छोटे मोटे रेफर एंड अर्न अफिलिएट प्रोग्राम डेफिनेटली करो पार्ट टाइम, लेकिन एक कोर्स जरूर करो ताकि आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ ना हो और आप डेफिनेटली अच्छा अर्न कर पाए। तो डाटा एंट्री का यहाँ पर हम देखते हैं कोर्स, तो आप इस साइट से डाटा एंट्री के आपको कोर्स मिल जाएंगे। वन सेकेंड, ठीक है, तो देख सकते हो आप डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, हिंदी में भी कोर्स है, प्राइस फ्री है, मतलब फ्री का कोर्स है, और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर इंग्लिश का है। अब आपको जिस लैंग्वेज में करना है कोर्स, दिस इज़ फ्री कोर्स, यू कैन डू इट, ठीक है। अगर आपको पेड कोर्स करना है तो आप इस पे पेड क्लिक करके जो पेड कोर्सेस है वो कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा और इनकी रेटिंग्स हाई ही रहेंगी क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। सो आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि इसमें आपको कंटेंट प्रोवाइडर भी, स्किल ट्रेनर है, यूनिवर्स सोशल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। आप इस कोर्स की रेटिंग देख सकते हो, कितना आपको इसमें टाइम लगेगा, ड्यूरेशन 20 आवर्स अगर लिखा है, तो आप प्री क्वालिफिकेशन आपको अभी ऐड नहीं करना है, ठीक है। असेसमेंट आपके अवेलेबल होने के बाद, आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के बाद की बात है, तो आप करेंगे एनरोल नाउ। एनरोल नाउ में आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है, ठीक है। तो अगर हम साइन इन करेंगे तो साइन इन नहीं कर पाएंगे, हमें पहले साइन अप से न्यू यूज़र करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा अकाउंट यहाँ नहीं है। तो आप देख सकते हो न्यू यूज़र का फॉर्म है इसमें, जिसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, जेंडर और ईयर ऑफ बर्थ डालना है, स्टेट चूज पासवर्ड, और उसके बाद एक्सेप्ट करके कंडीशन NSDP पे आपको अप्लाई करना है। बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा, गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट का कोर्स है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और अगर आप ये कोर्स करेंगे तो मैं कहूँगी, जैसे आप ही जो छोटे मोटे कैप्चा टाइपिंग या राइटिंग के जॉब्स करते हैं, आई विल सजेस्ट कि एक सर्टिफिकेशन कर लो ताकि आप फ्रीलैंसिंग साइट्स पे उसको अपलोड कर सको, लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बना सको और फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट में अपना नाम बना सको। अगर आप ये सोचेंगे कि आप सिर्फ बिना कुछ करे क्लिक और से अर्न करोगे, डायरेक्ट टास्क से करोगे, तो बहुत अच्छी बात है, पर लॉन्ग टाइम नहीं कर पाओगे। और मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कभी नहीं एंटरटेन करती जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम के लिए फ़ायदा ना हो। तो आप इस पर साइन इन कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। देखिए, जैसे ही आप इसमें लॉग इन करेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप फॉर्म भरेंगे जो, तो उस पर जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसके ऊपर एक छोटा सा बटन आएगा वेरीफाई, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, वो आपको फिल करना है, और ईमेल के ऊपर भी एक छोटा सा बटन आएगा वेरीफाई, उस पर आपको क्लिक करना है, तो फिर ईमेल पे जो OTP आएगा वो डालेंगे तो वेरीफाई होगा, तब साइन इन होगा। गवर्नमेंट आईडी है तो 2 स्टेप वेरीफिकेशन है, ओके। अब आप आएंगे आपके डैशबोर्ड में, ठीक है। अब आपको डैशबोर्ड में आकर यहाँ पर अभी ये देखिए, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी कोर्स सर्च कर लीजिएगा और मिल जाएगा। अब आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब आप नॉलेज पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ऑल राइट। अब आपके इस कोर्स के मॉड्यूल ओपन हो जाएंगे जो आपको एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल का मतलब होता है इसमें, यानी कि चैप्टर्स, तो आपको ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसमें 5 चैप्टर्स हैं, उसके बाद एक असेसमेंट होगा, मतलब एक टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट भी मतलब आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो मैं आपको इसका असेसमेंट भी दिखा देती हूँ, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, देखिए वो भी आप देख लीजिए। और ये आपको ध्यान से करना है, पहले मैं कहूँगी कि मॉड्यूल पूरा अच्छे से देखिए, उसके बाद इसके आंसर्स दीजिए। निम्न में से कौन सा कार्य एक डाटा एंट्री ऑपरेटर करता है? ऊपर दिए गए सभी पेपर आधारित बाजार अनुसंधान परिणामों को स्थानांतरित करना, ग्राहक के रिकॉर्ड को अपडेट करना, ग्राहक का व्यक्तिगत जानकारी को एंटर करना। तो ऊपर दिए गए सभी, मतलब सारी चीज़ें ही इसमें आती हैं, तो आप इस तरह से क्लिक करेंगे और सबमिट करते जाएंगे, आपका उत्तर ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको असेसमेंट लेना है, मतलब टेस्ट लेना है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से पूरा मॉड्यूल पढ़ते हुए आना है, मतलब पहला मॉड्यूल पढ़िए, उसको एंटर करिए, ठीक है। उसमें आपको कोर्स की पूरी जानकारी आएगी, फिर सेकंड पे जाइए, इस तरह से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप ये मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे तो आप सारी चीज़ें मतलब पढ़ लेंगे इस कोर्स की, ये फ्री कोर्स है, और उसके बाद टेस्ट भी देंगे, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है। फिर आपका ये सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे। और इसमें आपको उन लोगों के लिए भी है जो बहुत सालों पहले 8th 9th में ही पढ़ाई छूट गई, उसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, वो घर पे बैठे उन्हें ऑनलाइन वर्क करना है,
अर्न करना है, जो सपने देखते हैं कि हम रच हो गए, देखिए आप इससे इसका आपका एक सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा कि इसमें आपने डाटा एंट्री का कोर्स करा है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैं कहूँगी तो मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद अपनी फ्रीलैंसिंग साइट पे आप इसे सर्टिफिकेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इसको आप सेव कर लीजिएगा। जो ये और ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, तो इसमें आपको कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं। देखा आपने कितना आसान तरीका है सर्टिफिकेशन कोर्स का। इस तरह के आप फ्री कोर्सेस इसमें से कर सकते हो और आप काफ़ी अच्छे से देख सकते हो कि आपके तुरंत आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, पर आपको मॉड्यूल क्लियर करने होंगे। तो ये जैसे ही क्लियर हो गया तो ये तो आपका सर्टिफिकेशन कोर्स हो जाएगा। पर आप ये मेरी ऐसा मत करिएगा डायरेक्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा। पहले आप इसको कोर्स को पूरा कंप्लीट करिएगा, उसके बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड करिएगा, ठीक है? जब आप पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही करिएगा, उससे ही आपका ये सही चीज़ होगी, क्योंकि अदरवाइज ये दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? सो मेक श्योर आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाए और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद आप है ना जो साइट्स हैं उन पे हर जगह आपके सर्टिफिकेट्स अपलोड करवाते हैं जो आपने कुछ करा है, तो वो है। और इसमें बहुत सारे फ्री कोर्सेस हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें काफ़ी कोर्सेस फ्री हैं, वो आप कर सकते हो। आपको जो भी पॉपुलर कोर्सेस देखोगे तो आप देखिए कंप्यूटर की मूल बातें, डाटा एंट्री का इंग्लिश वाला कोर्स और हिंदी वाला कोर्स बहुत फेमस है, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग, मतलब जो भी आपको गवर्नमेंट के लिए या फ्रीलैंसिंग के लिए जो भी काम लगता है आपको करना है सीखना है, तो आप इस साइट से फ्री में सीख सकते हो। ये गवर्नमेंट फ्री साइट है एंड फ्री सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है, मगर पूरा टाइम निकाल के मोबाइल पे, ये मोबाइल पे भी अपलोड हो जाएगी साइट डेस्कटॉप मोड पे, और मोबाइल पे एनरोल करके आप पूरा इसको सीख के अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये ज़रूर आपको हेल्प करेगी। अब आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया, आपका अकाउंट बन गया, अब आप क्या करोगे? अब मैं आपको कुछ फ्रीलैंसिंग साइट के बारे में बताती हूँ। एक हबस्टॉप हो गई, एक फ्रीलैंसर हो गई। देखिए आप जैसे देख सकते हैं मैंने इस पर सोनम परिहार लिखा था, तो ये मेरा आ गया है कि इसमें डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का हिंदी का कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और इसमें देख सकते हैं आप ये ट्रांसफॉर्मिंग द स्किल लैंडस्केप, और ये कुशल भारत मतलब इंडिया की तरफ से है, और ये सिग्नेचर है, तो ये आप कहीं पे भी लगा सकते हो। और अगर आप कहीं जॉब पे भी जाना चाहते हो या डाटा एंट्री की करना चाहते हो तो आप इस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये तो हो गया। अब एक हबस्टाफ एक साइट है जिसमें आपको ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर भी साइन इन कैसे करना है, पहले साइन इन नहीं साइन अप करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर देखो आपको राइटिंग एंड कंटेंट, डाटा राइटिंग के, एडिटिंग के, प्रूफ रीडिंग के, कंटेंट क्रिएशन, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग सारे टास्क मिलेंगे। डिज़ाइन वालों को डिज़ाइन मल्टीमीडिया, मार्केटिंग सेल्स, डेवलपमेंट वालों को जावा स्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट, CSS, HTML, PHP पे, डाटाबेस एंड IT, एडमिन और बिजनेस कंसल्टिंग, सारे बहुत सारी कैटेगरीज हैं आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है? अब पोस्ट जॉब तो नहीं करना है आपको, साइन इन करना है क्योंकि आपको वर्क सर्च करना है, ठीक है? तो आप इसको ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के लिए आपको फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड कंफर्म करके एक्सेप्ट करना है, ठीक है? जैसे ही आप इस पर अपलोड कर लेंगे तो आपको, जब आप इसका साइन इन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से मतलब डैशबोर्ड दिख जाएगा आपका, जिसमें आप इस तरह की जॉब्स के लिए यहाँ से सर्च कर सकते हैं, डाटा एंट्री, ठीक है? डाटा एंट्री जॉब्स तो आपको यहाँ देख सकते हैं, वेब रिसर्च, डाटा एंट्री, ब्लॉग आर्टिकल के लिए यहाँ पे जॉब है, $3 पर आवर, मतलब हर घंटे के आपको $3 मिलेंगे, ठीक है? और $5 पर आवर है, तो जो भी आपको लगता है कि हाँ आप पार्ट टाइम जॉब्स है, ये फुल टाइम जॉब है, ये आपको फिलीपींस में है लेकिन घर से कर सकते हैं आप, ये भी आपको पंजाब है, ये पाकिस्तान का है, ये आपको केरल इंडिया, तो आपको देखो $10 पर आवर है, तो आपको जो जॉब लगता है कि हाँ आपको ये इंटरेस्ट दे रही है तो आप उस वाले पे क्लिक करेंगे। और ठीक है आप देख सकते हैं ये फ्रीलांसर्स के रिज्यूमे, तो इनका देख के आप ऐसा रिज्यूमे भी बना लीजिएगा अपना, देखिए कि स्किल्स इस तरह से आपको ऐड करनी है, ठीक है? आपको भी इसी तरह से अपनी स्किल्स ऐड करनी है और अपना CV रिज्यूमे भी इसमें ऐड करना है, ठीक है? तो आप इस तरह से देखिए, जैसे ये रिज्यूमे भी जो कह रहे थे ना, तो प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स के आप रिज्यूमे भी देख सकते हैं पहले, कि बहुत शॉर्ट में बनाया है, बट मैं कहूँगी कि थोड़ा सा डिटेल में बनाइएगा। ये तो काफ़ी टाइम से फ्रीलैंसिंग वर्क कर रहे हैं तो इन लोगों के हैं, पर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना पड़ेगा, साइन के लुकिंग फॉर वर्क, लुकिंग फॉर वर्क पे क्लिक करके फिर आपको जॉब सर्च करनी पड़ेगी, तो आप इस पर सर्च जॉब करोगे, ठीक है? तो वी आर लुकिंग फॉर असिस्टेंट फ्रॉम फिलीपींस, तो ये आप इन पे ओपन देख सकते हो क्या है इसकी डिटेल, ठीक है? और आपको देख सकते हो कि इसमें आपको 40 आवर्स पर वीक देने पड़ेंगे, फ़ोन कॉल की डाटा एंट्री का काम है, ठीक है?
तो आपको जो लगता है कि हाँ ये सही है आपके लिए, तो आप उसको अप्लाई टू जॉब पे क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन करके आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, और साइन अप करके आप सबमिट कर देंगे डिस्क्रिप्शन और डिटेल जो भी मांगेंगे, ठीक है। इसी तरह की दो तीन साइट और है फ्रीलांसर, मैं साइन अप नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि ऑलरेडी मेरा इन पर अकाउंट है, और मैं ये फ्रीलांसर भी एक ऐसी साइट है जिस पर आप सर्च करके जॉब पे अर्न कर सकते हैं। अपवर्क एक ऐसी साइट है, ठीक है, जिस पे भी आप इस पे भी अकाउंट बनाइएगा और इस पे भी जॉब सर्च करिएगा, और जहाँ जहाँ सर्टिफिकेट आपका रेज्यूमे में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि वही काम बेसिकली होता है, और उसको आप असेट क्या कहते हैं असेट यूज़ कर सकते हैं। और लिंक्डइन में भी प्रोफाइल बनाकर आप करिए, और अपना अपवर्क हुआ, और दो चार साइट मैं आपको और बता देती हूँ। पीपल पर आवर भी बहुत अच्छी साइट है, ठीक है, पीपल पर आवर पे भी आप कर सकते हो। तो डाटा एंट्री का काम ये बेसिकली आपको इन सब साइट्स पे मिल जाएगा। आप नोट डाउन कर सकते हो कि फ्रीलांसर, हब स्टाफ, अपवर्क और पीपल पर आवर, फिक्स एन आवर, इन सब साइट्स पे आपको अकाउंट बनाना है और स्टार्ट करना है डाटा एंट्री का वर्क। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा एक सर्टिफिकेट फाइंड आउट करने में ऑनलाइन, और कोर्स कंप्लीट करने में, और जितने भी आप कोर्स करना चाहते हैं फ्री आप इस साइट पे कर सकते हैं। तो अब आप जो अमीर होने के सपने देखते हैं वो डेफिनेटली मुझे लगता है पूरे होंगे। और देखिए रातों रात कोई अमीर नहीं होता है, मेहनत सबको करनी पड़ती है। अगर आप सोचते हैं वीडियो में कि ये फेक है वो फेक है, तो ऐसा नहीं होता है। सारी साइट्स मेरी बताई हुई सब जेन्यून है, सब मेहनत करते हैं, वर्क करते हैं, अर्न करते हैं, और मुझे मैसेज करते हैं, उससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करें, और जिनके लिए मैंने वीडियो बनाए मैसेज उन तक पहुँचे और उन्हें नया काम करने का तरीका मिले। सो थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहते हैं कि मैं सब पे सिंगल सिंगल वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे मैं कमेंट करके बताना, तो मैं सिंगल सिंगल वीडियो बना दूंगी। और जो भी आपको डाउट है प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा, ताकि मैं उसके लिए भी आपके लिए सोल्यूशन लेकर आ सकूँ। थैंक यू सो मच।